हिम्मत है तो आप अपनी बुलडोजर की कार्रवाई का एक कानून बना दीजिए। सदन में शेर दहाड़ेगा, जिसको शपथ नहीं लेने दिया गया सदन में। आप लोग जानते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से बन गए हैं, तीसरी बार, और तीसरे कार्यकाल खंड में उनके और माननीय अफजाल अंसारी जी शपथ नहीं ले पाए। आप लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन आज 10 बजे स्पीकर महोदय ने बुलाकर और उनको शपथ दिलाई है। यही शपथ लिया अफजाल अंसारी ने, मुस्कुराते हुए आए बाहर, और बाहर आने पर मीडिया के सामने कहें कि जो बुलडोजर चला रहे थे आदित्यनाथ योगी जी, अगर औकात है तो इसको नियम बनाकर दिखाएं। अब इनकी बुलडोजर नहीं दिखाई दे रही है। हिम्मत है तो आप अपनी बुलडोजर की कार्रवाई का एक कानून बना दीजिए। गाजीपुर जिले की जनता की जो आवाज है, जो समस्याएं हैं, उसको अब उठाएंगे संसद में जाकर अफजाल अंसारी। आज 10 बजे उन्होंने जाकर लिया है शपथ, और आते ही और खुश मिजाज दिल से एक गाना याद आ रहा है, दबदबा था दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। अफजाल अंसारी जी गाजीपुर जिले के प्रतिनिधित्व इसमें कर रहे हैं दिल्ली में जाकर, और दिल्ली में कल से आपको दिखाई देंगे संसद भवन में। आपको बता दें कि दूसरी बार अफजाल अंसारी जी शपथ लिए हैं सांसद का, और इस समय 2024 के चुनाव में इन्होंने जीत हासिल किया था। 1,24,861 वोटों से इन्होंने जीता था, जिसमें इनको पूरा टोटल वोट मिला था 5,39,912 वोट मिला था टोटल, और 1,24,861 वोटों से अपना जीत ये हासिल किए थे। बहुत लोगों को यह निराशा हुआ था सुनकर कि अफजाल अंसारी को शपथ नहीं दिलाया गया था। जितने सांसद थे उनको, बैठे थे संसद भवन में, उनको जो है कि शपथ दिला दिया गया, उसके बाद इनका नंबर नहीं आया तो वहाँ से उठकर वो चले आए थे। और यह कहा जा रहा था कि इनको अब जो 2 तारीख की का फैसला आने वाला है, उस फैसले में ये चले जाएंगे जेल। हालांकि 2 तारीख को जो होगा वो हम बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल में सांसद अफजाल अंसारी जी शपथ ले चुके हैं और गाजीपुर के प्रतिनिधित्व करते हुए आपको संसद में दिखाई देंगे। अफजाल अंसारी जी अगर बन चुके हैं सांसद तो हम समस्याओं को, गाजीपुर की समस्याओं को भूल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। और हम चढ़ बढ़ और लड़कर सांसद महोदय के सामने अपने समस्याओं को रखेंगे हम लोग, और जाकर कहेंगे कि यह समस्याएं हैं, जल्दी से आप दूर करिए। हालांकि हमने चढ़ बढ़ के जाकर हिस्सा भी लिया है, और आप अभी हमने वीडियो पब्लिक किया था, आप लोगों ने देखा, बड़ा प्यार दुलार उस पर मिला, जिसपे कि जिस गांव ने 77 सालों से जल के लिए प्यासे हैं, वो लोग स्वच्छ जल नहीं पी पा रहे हैं। 77 सालों से उनका जल जो है खराब हो चुका है। वो उनका कहना है कि हम लोग 77 सालों से प्यासे हैं, बोर्ड भी बहुत सारे लगाए गए हैं। हम बात कर रहे हैं उसी गांव की, शिकारपुर गांव की हम बात कर रहे हैं। शिकारपुर में हमने दिखाया था आप लोगों को, शिकारपुर में एक नहर जाती है गाँव से लगभग 200 मीटर के दूरी पर, और उसी नहर के बीचों बीच में हैंडपम्प को गाड़ा गया है, और एक ही हेडपंप है, और एक हेडपंप से जो है कि पानी पूरा गांव पीता है। वही गांव नहीं, दूसरा बगल में का भी गांव उसी हेडपंप से आते हैं और पीते हैं। और एक और हेडपंप गाड़ा गया है बगल में ही है, हालांकि उसका पानी अभी ठीक ठाक नहीं है उतना, लेकिन लोग पीने के लिए मजबूर हैं। और टंकी गाड़ी जा रही है, पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, और जितने भी साथी थे वहां पे उन्होंने जाकर लड़ा, उसको दिखाया बताया। हालांकि 2 बार, एक बार सांसद अफजाल अंसारी थे तब भी उस गांव के लिए नहीं सोचे, और इस बार भी अफजाल अंसारी जी सांसद का शपथ ले लिए हैं। लेकिन आखिरकार इस बार सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे, ये तो आगे देखने वाली बात है। लेकिन मैं यही आशा करता हूं कि हम लोग अगर आपका सराहना, अगर सपोर्ट कर रहे हैं आपको, तो आपका विरोध भी हम लोग करेंगे अगर आप गलत करेंगे तो। फिलहाल में अफजाल अंसारी जी शपथ ले चुके हैं,
और इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको और हमारे चैनल के दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई, जितनी गाजीपुर की जनता है उनके तरफ से बधाई आपको, और आकर आप गाजीपुर ज़िले में और काम करना अब शुरू कर दीजिए। बहुत और 2 जुलाई को जो भी फैसला आ रहा है हम बताएंगे आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।